अरे जिनके हाथ में गुलाब था चार पीढ़ी से, उन्हें मुरझाने का खौफ था। हमारे नेता तो हमेशा कांटों के ही बीच में से आगे निकले, इसलिए मुरझाए नहीं, वो बढ़ते चले गए। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो अभी आपने ये दिखाया शॉट, इसमें मैं एयर चीफ मार्शल भदौरिया साहब को पहचान रहा हूँ। आपने कहा किसका सीना गर्व से नहीं पड़ जाएगा, बिल्कुल हर भारतीय को गर्व होगा, सिवाय उसके जिनको हाफिज में साहब नजर आता था, ओसामा में जी नजर आता था, साकिर में शांति का मसीहा नजर आता था, अफजल में हारात का मारा नजर आता था, इशरत में बेटी नजर आती थी, और भारत का सैन्य कमांडर, सैन्य चीफ, सड़क छाप गुंडा नजर आता था। बस उनको गर्व नहीं होगा। मैं अपने पहले वाक्य पे जाता हूं, उनके अरमानों पर बिजली गिरी है, बाकी हर भारतीय गर्व से पूरी तरह प्रसन्न चित्त है कि आज हमारी शक्ति में और वृद्धि हो गई। बस ये अंतर है हमारी सोच और उनकी सोच। गौरव जी, सुधांशु जी आज राहुल गांधी को बहुत मिस कर रहे हैं, कह रहे हैं आज राफेल आया था, दो लाइन लिख देते अच्छा। जी सुधांशु जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हतोत्साहित नहीं होना पड़ेगा, पर मैं आपसे दूसरी, मैंने जो सवाल पूछा सुधांशु जी, आज मैं तूतू मैं नहीं करता, और आप आपके साथ तो मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं आपकी शिक्षा का और आपकी वाणी का सम्मान करता हूँ। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल था सुधांशु जी, राजनाथ सिंह जी ने और बीजेपी के एक नेता और जो रिपोर्ट में मैं देख रहा था, उन्होंने क्या कहा कि दुश्मन थरथरा जाएगा, चीन थरथरा जाएगा, पाकिस्तान थरथरा जाएगा। बिल्कुल सही कहा, मैं दिल से उसकी उस वाक्य का स्वागत करता हूँ। तो सुधांशु जी, मेरा सवाल बिल्कुल छोटा सा है कि 126 से ज्यादा थरथरा था कि 36 विमान जो आपने खरीदे उससे ज्यादा थरथराएगा? मेरा छोटा सा सवाल है सुधांशु जी, दिल्ली इलाही मुगले आजम, मेरे को पता आपको बहुत डायलॉग आते हैं, तो मुझे उससे डायलॉग नहीं आते सुधांशु जी, मेरे को तो सीधी बात पूछनी आती है कि 136 से ज्यादा थरथराता 126 से कि 36 से ज्यादा थरथरा जाएगा, ये बता दीजिए। ठीक है सुधांशु जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब। बिल्कुल सीधा जवाब, इन्होंने 126 का कॉन्ट्रैक्ट किया, मगर अंतर जानते क्या था? वो 126 खरीद नहीं थी, वो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग थी, जो ये कह रहे ना एचएएल के साथ मिलके ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग थी। और क्यों नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में कितना समय लगता है एक जहाज को बनाने में, बताइए। कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति, और आप तो पढ़े लिखे विद्वान प्रोफेसर हैं, 126 जहाजों की मैन्युफैक्चरिंग में कितने साल लगे और क्यों नहीं हो पाया, जानते क्या था? मेन इंजन बनना था जसौल, बाकी जो अदर चीजें थी वो बननी थी यहां। अब प्रॉब्लम आई कि लाइबिलिटी किस पे फिक्स हो, जसौल कंपनी का कहना था जब पूरा हम नहीं बना रहे तो हमारी लाइबिलिटी कैसे, एचएएल का कहना था पूरा हम नहीं बना रहे तो हमारी लाइबिलिटी कैसे, वहीं पे मामला अटक गया। अब जो हमने 36 लिए ना, ये डायरेक्ट परचेज, क्योंकि अगर उसमें अटके रहते और आप फिर शुरू करते तो आपको पता है एलसीए कंप्लीट होने में 3 दशक लगे। तो अगर हम आपकी प्रक्रिया पे चलते तो ये अगले पांच साल नहीं आ पाते, और ये 36 की पहली खेप आई है, वो ये थोड़ी कह रहा है कि 5 से, अरे 5 आनी शुरुआत हो गई, इसलिए 126 और 36 का अंतर है, वो ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग था, ये डायरेक्ट परचेज है। ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निकलिटीज में ही 10 साल मामला अटका रहा था, यहां डायरेक्ट परचेज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हुई है, इसलिए मामला स्मूथली क्विकली एंड फास्टली हो गया। गौरव वल्लभ जी, सुधांशु जी, मैं देश वाइज सवाल पूछूंगा और आपने कुछ चीजों का जिक्र किया उसका जवाब भी दूंगा। 13 मार्च 2014 जब यूपीए 2 की सरकार थी देश में, एक वर्क शेयर एग्रीमेंट जॉइंट साइन होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डेसॉल्ट एविएशन। आपको एचएएल पे इतना कम भरोसा क्यों है सुधांशु जी? एचएएल में भी अपनी गुणवत्ता है, अपना मापदा है कि वो बड़े बड़े जहाज बना सकता है, वर्क शेयर एग्रीमेंट साइन हो चुका था। फिर दूसरी डेट सुधांशु जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, 4 मार्च 2014, ये भी जब आपकी सरकार नहीं बनी थी, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे जब का दिन है, 4 मार्च 2014 को डिफेंस मिनिस्ट्री का मेमो है और उसमें क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड टू बी फाइनलाइज इन नेक्स्ट 1 मंथ, आई अनकोट। सुधांशु जी, मैं बिना अंधेरे में तीर नहीं चलाता हूँ, 126 जहाज की जब जरूरत थी भारतीय वायुसेना को, उसने बार बार कहा कि हमें 7 बड़े स्क्वाड्रन चाहिए, आप 2 स्क्वाड्रन ही देना चाहते हो, ऐसा क्यों? मैं चाहता हूँ चीन इतना थरथरा जाए, इतना घबरा जाए, क्योंकि 5 से आज इतना घबरा गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आज जो गर्जना हुई है अंबाला एयरबेस पे, उस गर्जना की आवाज
पेंगोंग सो लेक में बैठे चीनी सैनिकों ने सुनी होगी और वो भारत माँ की भूमि को छोड़ के पीछे हट जाएंगे और 126 आ जाते ना गुरुदेव तो ये गर्जना पूरे विश्व को हिला देती। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा यही सवाल है और आप बार बार SAL को इतना कम करके मत आंकिए सर। बहुत पुराना इतिहास है उस कंपनी का, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास लोग है, हिंदुस्तान के लोग अच्छे हवाई जहाज बना सकते हैं सुधांशु जी, विश्वास रखिए। ठीक है, इसका जवाब उनसे लेते हैं, लेकिन आप मजाक उड़ा रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा सर। बार बार जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर आ गया तो इस गर्जना से चीनी भाग जाएंगे, ये क्या है, आप गंभीरता को समझते हैं इस इशू के? मैं मजाक को नहीं करता हूँ, मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ पेंगोंग सो लेक में जो भारत माता की भूमि में चीनी सैनिक घुसे हुए हैं वो इस गर्जना से घबराएंगे और मुझे विश्वास है, और नहीं घबराएंगे तो हमारे वीर सैनिक उनको हटाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है।